देखिए दोस्तों, भुआ पिल्लू काट लेता है। ये देखिए दोस्तों, पापा जी अभी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा। ये देखिए कितना प्यारा खुशी है ये लोग के मुस्कान देख। भैया इधर देखिए, देखिए दोस्तों, नानी जी हमारे ट्रेडिशनल फॉलो कर रही हैं। ये जम का दिया दीपावली में जलता है, दीपावली के एक दिन पहले निकलता है ये। ये देखिए दोस्तों, पूजा रूम हमारा। सारे रूम में हम लोग दीप दिखा देंगे। बकरी वाला जो भी है, माफी चाहूंगी दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा लाइट नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी रात हो चुका है। रात का टाइम है, सब मच्छरदानी लगा लिए हैं, मच्छर काटे ना इसलिए। हाँ भुआ पिल्लू है मतलब। ये देखिए दोस्तों, भुआ पिल्लू काट लेता है। ये देखिए दोस्तों, दीदी जी सब मंगवाई है। सुबह के अभी 3 बज रहे हैं, आज दीपावली का दिन है और सब हम लोग घर धो रहे हैं। देखिए घर बहुत बड़ा है दोस्तों, सुबह जल्दी उठना पड़ता है और धोते धोते बहुत टाइम लग जाता है। दीदी छत धो रही है, मैं नीचे का धो रही हूँ। ये देखिए, इतना कि लाइट भी नहीं ऑफ है, मतलब रोशनी भी नहीं है। मैं लाइटर जलाकर वीडियो ऑन कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। सुबह के अभी 3 बज रहे हैं दोस्तों, सब सोया हुआ है। देखिए कितना अच्छा रोशनी आ रहा है। देखिए मोटर से पानी गिर रहा है दोस्तों, नीचे जाना होगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 3 बजे। ये देखिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सौम्या शर्मा ऑफिशियल में। क्या करूँ दोस्तों, आज दीपावली का टाइम है और दिन भर सुबह से लेकर अभी फ्री हुई हूँ, शाम से रात होने वाला है, शाम के 7 बज रहे होंगे शायद, और टाइम ही नहीं मिला। इतना काम घर का होता है ना कि क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिला कि आप लोगों को सारा व्लॉग दिखा पाऊं, इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूं दोस्तों। आज दीपावली के दिन आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और दिवाली अच्छे से मनाइए, सेफ मनाइए और पटाखे ना फोड़े। अगर मन करे तो नहीं, बिल्कुल नहीं फोड़े। मन करे क्या, प्रदूषण होता है ना, आप लोग भी पता है, इसलिए। चलिए मैं दिखाती हूँ अब आप लोग को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हमारे घर, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूले, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं साड़ी पहनी हूँ दोस्तों, देखिए दीपावली के टाइम संभला नहीं जा रहा, मैं चेंज करूंगी थोड़े टाइम के बाद, इसलिए चलिए दिखाती हूँ। लाइट तो आज है नहीं, जहां लाइट मिला वहां पर
सोचा शूट कर लेती हूँ। चलिए हमारे दादाजी उधर धनवा में देखो, ये पापा जी अभी पूजा कर रहे हैं दोस्तों। मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से, कोड़ी धो के ले लिया। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पापा जी अभी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा। ये लाग पड़ेगा, मैं सबको दिखाती हूँ दोस्तों आप लोगों को। देखिए पापा इधर पापा पूजा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए लक्ष्मी पूजन हो रहा है ना, सिंदूर अब रोड़ी दे दिए। क्या करूं दोस्तों, शाम को ही मेरे को शूट करने का टाइम ही मिला इसलिए दिखा नहीं पाई मैं, और सुबह में थोड़ा थोड़ा शूट की थी मैं। अग्नि जी टीका लगाएं, अग्नि जी लगाएं, गणेश जी को उधर नहीं है, उधर नहीं है। थैलिया धो के लिया से कहाँ रखा गया था वो तो इक्का ऊपर फूल पहले चाहिए रोड़ी चाहिए। अरे वो रोड़ी पड़ा ना कहाँ थी, कोड़ी धो के लिया देवी स्थान जाएगा दोस्तों ये दीप, इसलिए ये हो रहा है तैयार। दिखाओ ये भैया जी भी दिल्ली से आए हैं कल ही मेरे। हेलो गाइस, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, जय माता दी, जय माता दी। मम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों लेकिन मम्मी जी पूजा पाठ के लिए बताने के लिए बैठी हैं यहाँ पर। ये तो पोलोथिनवा में हम धो के ले लिए है, उन्हें ना नहाओ देखे तो उन्हें ना फेंक लाए धो के रेडी ना दीजिए। ये आंगन में देखते हैं, आंगन में आंगन में ही रहेगी। ये देखिए दोस्तों, भैया वीडियो में काफी कम आते हैं क्योंकि यहाँ नहीं रहते हैं, ब्लॉग्स में बहुत कम ही दिखेंगे मेरे भैया। चांदी का सिक्का चढ़ाए पापा, पापा कमल हटाइए ना, कमल का फूल थोड़ा सा एक तो नजर तो आए। क्या है भैया इस पर गड्डी है, पैसा गड्डी है। माँ लक्ष्मी जो है जी जो है मतलब लक्ष्मी की देवता है, हाँ। तो इसलिए लक्ष्मी रखा गया है, हाँ, पैसे हाँ। के रूप में। हाँ। क्या बोले मम्मी, लक्ष्मी जी हमने के न रखेंगे तो ना देंगे। ले लड्डू का भी देखिए दोस्तों, ब्लॉग में हम लोग दोनों आ गए हैं, और किसी को आना है सब आ गए, ये अपना ही देखती है। देखिए दोस्तों, इतना अंधेरा है कि लाइटर से शूट कर रही हूँ कि आप लोगों को दिख सके। ये हमारे दादाजी हैं, मतलब हमारे दादाजी नहीं रहे लेकिन उनके नाम से दीप जलता है हर साल, कुल देवता है।
ये देखिए डेकोरेशन काफी ज्यादा अच्छा हुआ है और पापा जी आ रहे हैं अभी, मिल गया शायद। जैसे होते ना बारन वह कर रहा था। हमारी नानी जी शॉल पहन लिए, ओढ़ लिए, नया नया साड़ी पहने नानी। हाँ चलते हैं दोस्तों और जगह दिखा देने, दीप को रख देने। इस दिवाली लगता है भैया जी का ही ब्लॉग जाएगा दोस्तों। रात का टाइम है इसलिए जुगाड़ से मुझे काम चलाना पड़ रहा है। देखिए ये हमारे गांव का बजरंगबली मूर्ति है दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारा है ऐसा ना। ये देखिए दोस्त हमारे भगवान जी, ये कौन सा है दीदी? गोरैया भगवान। भैया इधर देखिए,
लक्ष्मी जी का पूजा हो रहा है दोस्तों। देखिए हमारे गांव के पंडित जी लक्ष्मी पूजन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को तो पता ही है। दीपावली में विशेष कार्य है ये। ये हमारे गांव के पंडित जी हैं। अभी मंत्र जाप करेंगे, देखिएगा दोस्तों आप लोग। इधर तो देख ही नहीं रहे। दीपक जला दीजिए। दीपक ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सूर्यो वर्चो सूर्यो वर्चो। ये हमारे भैया जी हैं हमारे गांव के। देखिए गांव के क्लासमेट हो? क्लासमेट ऐसी किसना भैया का? नहीं तुम्हारा मेरा पिंकी हो ना? हाँ हम तो पहचान ही नहीं, पता नहीं शायद कोई। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल? नहीं हाँ गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल से हमारे क्लासमेट ही निकले, हमें पता भी नहीं चला। ये देखिए पूजन हो रहा अभी मंदिर से। पूजा हो गया है दोस्तों, अब मेरे भैया जी घर जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे गोवर्धन भगवान के पास जाएंगे। हाँ वहाँ बच गया ना। अच्छा अच्छा और एक और कोई भगवान बोलते हैं जो कि भैया इतना स्पीड लोग जा रहा है ना, क्या बोले हम भी। गांव के आखिर छोरे जो है ना हमारे डाक बाबा होते हैं, और उनको जो है गांव के आखिर छोर पे ही स्थापित किया जाता है। तो एक जो ये देखिए लाइटिंग कितना सुंदर है। देखिए लाइटिंग कितना सुंदर है लगा हुआ। ये मेरा गांव है दोस्तों, मैं आप लोग को एंटर करूंगी, दिखाऊंगी, जाऊंगी, दिखाते रहूंगी, ठीक है। ये बच्चे कुछ फुलझड़ी खिला रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा खुशी है, ये लोग मुस्कान देख सकते हैं आप लोग। देखो बाहर ये देखिए आप लोगों को पूरा गांव ही दिखा दूंगी इस ब्लॉग में। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आप लोगों, तो पूरा गांव ही दिखा दूंगी इस ब्लॉग में। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो माफी चाहूंगी मैं, क्योंकि दीपावली के दिन रात में ही लाइटिंग लगती है। ये हमारे गांव के गोवर्धन भगवान जी हैं दोस्तों। ये गेस्ट हाउस है दोस्तों, शादी विवाह यहीं पर होता है हमारे गांव का। लगे हाथ दिवाली में लाइटिंग जो सजाया जाता है, मैं इसे भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बिल्डिंग। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डाक बाबा जी होते हैं गांव के अंतिम छोर पे होते हैं, ठीक है। इनको जो है गांव के एक सेकंड हाँ इनको जो है गांव के अंतिम छोर पे स्थापित किया जाता है। ये सारे गांव में जो है डाक बाबा को स्थापित किया जाता है। ये हमेशा हर गांव में आपको मिलेंगे, आपको गांव के अंतिम छोर पे जहाँ से गाँव का शुरुआत होता है, ठीक है, उनको वहीं पर स्थापित किया जाता है। तो वहाँ जो है एक दिया जो है हमने दीपावली में वहाँ जलाकर आए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्योंकि एक बहुत देखा जाए तो सुनसान एरिया है गांव के, क्योंकि शुरुआती छोर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घर द्वार नहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ खेत खलिहान ही है, ठीक है। तो अब चला जाए, चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं घर, पूजा हो गया है हमारा दीपावली का गांव का। देखो
दीवार पर कलर कलर रखना है रंग। पापा लक्ष्मी पूजन हो गया? हाँ हो गया, हो गया अभी। फूल बिछाया गया, भगवान जी आए जल्दी। ये हमारे पूजा रूम ही है दोस्तों, भगवान के अलावा इस रूम में कोई नहीं रहता। ऐसे ऐसे पूजा करने के लिए हम लोग ये घुसते हैं, ऐसे नहीं घुसते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पता नहीं कैमरा क्यों हिल जाता दोस्तों मुझसे। मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये होल्ड नहीं कर पाती मैं इसलिए शायद।